आज जय कन्नडिगा रक्षण की तरफ से आज हम लोग कलबुर्गी की लोकसभा सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को आज हमने मनी भी दिया है। पहले हम 15 दिन से पहले हम एक पत्रिका गोष्ठी कर रहे थे, शुद्धि गोष्ठी कर रहे थे। वहाँ शुद्धि गोष्ठी में हमारा एयरपोर्ट क्या गुलबर्गा में हैदराबाद कर्नाटक में नया एयरपोर्ट बन रहा है और 2 महीने में वो एयरपोर्ट भी ओपनिंग होता है और विमान उड़ने की भी वहाँ पर फर्स्ट चांस है, तो पूरा काम हो सर हमारी ये बेडी के क्या है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने यहाँ पे 371 लाए हुए, 371 बोलो तो यहाँ अभिवृद्धि डेवलपमेंट और सब कुछ इसके अंदर है। तो हम लोग यहाँ पे विद्यार्थी जो काम के लिए ढूंढ रहे हैं, जो पढ़े लिख के भी यहाँ पे घर पे बैठे हैं, वो लोग बाहर जाके पुणे बम्बई हैदराबाद वहाँ पर जाके काम कर रहे हैं। तो हैदराबाद का 371 में है, पहले कोई भी यहाँ पे कंपनी बनने दो, जो भी आप बड़ा बड़ा ऑफिस बनेंगे तो पूरे हैदराबाद कर्नाटक वाले निरोगी मतलब जो ऑफिस काम करने वाले युवक है वो लोग को देना बोल के है। इसीलिए वो आप एयरपोर्ट 2 महीने के बाद चालू होना है, तो हमारी एक ख्वाहिश है और हमारी एक बेडी के भी है जो 371 जारी में, वो 371 में वो लोगों सब पहले 371 क्या हैदराबाद कर्नाटक को बनाए ये लोग पे ही नौकरी बनाना, और यहाँ पे कितने जन निरुद्योगी है जो पढ़े लिखे हैं नौकरी करने की किसके सपना है, पहले उन लोगों को नौकरी देने के बाद ही जब बाद में बाहर वाले को नौकरी देना बोल के हमारा एक है। और दूसरा है ट्रेनिंग एयरपोर्ट होने के बाद ट्रेनिंग सेंटर होना जरूरी है, क्यों बोलते हम ट्रेनिंग सीखने के लिए हैदराबाद बेंगलोर पुणे बम्बई दिल्ली ऐसा जाते हैं, तो एयरपोर्ट बनने के बाद गुलबर्गा में बनाना ट्रेनिंग सेंटर बनाए तो वो भी बच्चे के लिए बहुत सहूलत होता है, माँ बाप के सामने रह के बच्चे ट्रेनिंग यहाँ पे कर सकते हैं बोल के। और एयरपोर्ट होने के बाद यहाँ पे पहले 371 में जारी में 371 अंडर में नौकरी देना बोल के हमारे को पहला ये दूसरा दो बेडी के रख के आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को हम मनवी दिए है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी मनवी देने के बाद वो दोनों को जो दो हमारे बेडी के है वो भी सोच के हम आपको बताने की कोशिश करेंगे और 370 के अंदर ही हम नौकरी लेने की कोशिश करेंगे बोल के बोले। और सेंटर ट्रेन की सेंटर के बारे में सोचेंगे और वो अधिकारी के लोगों के साथ चर्चा करके वो सेंटर होना नहीं होना बोल के सोच के बताते बोल के हमारे को बोले। और ये हम मनवी दे के हम आए हैं और अगली बार साफ देखेंगे काम क्या करते नहीं करते। और हैदराबाद के यहाँ का MLA भी है, MP है और यहाँ का मिनिस्टर भी बन चुके हैं और अब उन लोग को बहुत अभी आगे बहुत फ्यूचर में अब आगे प्रधानमंत्री बनने के भी योग है, तो देखेंगे हैदराबाद कर्नाटक के लोगों के ऊपर कितना उन लोगों का भरोसा है, कितना उन लोगों के ऊपर काळजी है, कितना उन लोगों के ऊपर काम करना है यहाँ पर डेवलपमेंट करना कितना सपना है। इसके बाद एयरपोर्ट होने के बाद 371 यहाँ पे लिए नौकरी लिए बोलो तो मालूम होता साहब ये लोगों के ऊपर जान है को कर ये लोग के लिए ही काम करते बोल के मालूम होता, नहीं तो मालूम होने वाले 371 के लिए नहीं अधिकारी के लिए काम करें बोल के हम बोलने के लिए कोशिश करें।